वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 13। ये 3rd of August की जो वर्कशीट है वो क्लास 9th की है। इस वर्कशीट में हम मैथ्स, साइंस और हिंदी के सारे वर्कशीट के आंसर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज की वर्कशीट में क्या है। आइए चलते हैं सीधा मैथ्स की वर्कशीट के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल चाहूंगा कि मेरे जो सॉल्यूशन है उसको देखने के बाद आप खुद करें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपके पास इनके सॉल्यूशन भी हैं। तो आप अपना आंसर चेक कर लें, समझ के मतलब अपने आप खुद करें, फिर उसका आंसर अपने आप यहाँ से चेक कर लें। जो प्रॉपर्टी आज हम देखने वाले हैं वो है x² - y², जिसको मैं a² - b² भी कह सकता हूँ। तो ये वाले जो क्वेश्चन है नीचे जो अनसॉल्व है वो मैं अभी करने वाला हूँ आपके लिए, उसके बाद आप ये जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो आप खुद करके देखें। आइए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद हम बाकी वर्कशीट के भी सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ए जो हो गया 47 और जो बी हो गया वो 43। तो a² - b² है और हमारी जो आइडेंटिटी है वो a+b a-b। तो हम लिख देंगे a+b × a-b, इस तरीके से आप फिल ब्लैंक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। 47 + 43 47 - 43। सो 47 + 43 80 आ गया आपका 90। इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4, और 9 × 4 कितना हो गया 36। सो आपका आंसर जो हो गया वो 360। सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके से हो जाएगा। ए जो है वो 100, जो बी है वो 99। सो 100 + 99 * 100 - 99। सो 100 + 99 कितना आ जाएगा 199 * 1। सो कितना आ गया आपका आंसर 199। सो ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। थर्ड आंसर इसका रिवर्स है। ये क्या है आपका ए, ये आपका बी। तो a+b ये है a-b। सो a-b, सो इसका अगर हम रिवर्स करते हैं तो a+b a-b क्या होता है, a² - b² a² - b²। सो हम भी इस तरीके से लिख सकते हैं a² - b² ये क्या था हमारा x और b क्या है 2। तो आंसर हो गया x² - 4। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन भी एग्जैक्टली थर्ड क्वेश्चन की तरह है। जो हमारा a है वो 3x है और ये जो b है वो 1 है। सो तो हमारा इसी तरीके से a² - b² लिख देते हैं पहले। ए क्या है हमारा 3x, बी क्या है 1। तो हम इसको सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर देते हैं। 3² का हो गया 9x² - 1। तो ये हमारा आंसर नंबर 4। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 13। ये 3rd of August की वर्कशीट है साइंस की, क्लास 9। तो ये कंटिन्यूशन है लास्ट वर्कशीट का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग। इसके अंदर हम जैसे कि हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, हम इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अंदर दो दोस्त बात कर रहे हैं कि एटम के बारे में, एटम की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे एक दोस्त कह रहा है कि भाई एटम की जरूरत क्या है अगर वो इतना छोटा है तो। बट आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे आसपास की सारी चीजें वो एटम से बनी हुई है। एटम्स जो है वो बेसिक यूनिट की तरह काम करते हैं। जिस तरीके से हमारी बॉडी अगर हम ब्रेक डाउन करते जाएं सेल से बनी होती है, बिल्कुल ही बेसिक यूनिट ऑफ हमारी जो बॉडी है वो सेल है। उसी तरीके से कोई भी चीज जो बनती है वो एटम से बनती है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो केमिकली और डिवाइड
नहीं हो सकता। यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, जॉन डेल्टन। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जॉन डेल्टन जो था वो बीवर फैमिली से था और बहुत ही पुअर था, और इनके जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1766 है, 1766 इंग्लैंड में पैदा हुए थे। एंड ही बिगेन हिज करियर एज अ टीचर एट द एज ऑफ 12। सिर्फ 12 साल की उम्र में इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। एंड 7 ईयर्स लेटर, 7 साल बाद, उसी स्कूल में वो प्रिंसिपल बन गए थे। इन 1793 डेंटन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर एंड स्टार्टेड टीचिंग मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन कॉलेज। वहीं पर उन्होंने बहुत अपना टाइम बिताया, रिसर्च करी, और जो आप थ्योरी अब पढ़ने वाले हैं, डेल्टन थ्योरी ऑफ एटम, ये इसके बारे में उन्होंने बात करी है। वहां पर रिसर्च जो भी करी है वो यहाँ पर उनका निचोड़ निकला है, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। 1808 में इन्होंने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट करी थी, जिसके अंदर इन्होंने क्या क्या बात करी आइए देख लेते हैं। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने 6 पॉइंट्स के बारे में बताया था। पहला, ऑल मैटर सॉलिड लिक्विड गैस इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये बहुत ही बेसिक चीज इन्होंने बोली थी कि हर एक चीज, चाहे सॉलिड लो, चाहे लिक्विड लो, चाहे गैस लो, कोई भी चीज लो, वो एटम से बनी होती है। सो एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ दैट पार्टिकल, और केमिकल रिएक्शन के बाद जो तोड़ा जाने वाला मैटर के बाद, अगर हम फिजिकली किसी चीज को तोड़ते हैं तो मैटर बनता है, मैटर बनने के बाद वो और ब्रेक डाउन करते हैं जब हम उसको केमिकली, तो उसको बोलते हैं एटम। एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स, जिसको आप देख नहीं सकते नेकेड आई से, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस, और इसको फर्दर डिवाइड नहीं करा जा सकता। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट और कंपाउंड आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब अगर आप ऑक्सीजन का एटम उठाओगे, चाहे आप कहीं से भी उठा लो, वो सेम साइज का होगा, सेम मास का होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उसकी। तो उसी तरीके से अगर आप हाइड्रोजन उठा लोगे तो वो हाइड्रोजन कंसिस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। मतलब वाटर पार्टिकल आप उठा लो, वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलता है, तो उसके अंदर सेम साइज का ऑक्सीजन मिलेगा, सेम साइज का हाइड्रोजन मिलेगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है डिफरेंट एटम उठाओगे, मतलब ऑक्सीजन उठाया तो वो ऑक्सीजन डिफरेंट, ऑक्सीजन जितने मर्जी जहां से मर्जी उठा लो तो वो सेम होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप कंपेयर करने लगोगे तो वो डिफरेंट होगा। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स कंबाइन इन फिक्स रेशियोज, उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर का जो हो गया 1:8 हो गया, एंड द रिलेटिव नंबर ऑफ नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कंसिस्टेंट कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब अगर एक चीज बनाने में जो एटम्स चाहिए, H2O, दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो वो इसका मतलब ये है कि उतने से ही बनेगा कंपाउंड। अगर आप डिफरेंट कॉम्पोजिशन करोगे तो वो कुछ और बनेगा। तो बेसिकली आपका जो रेशियो है वो सेम रहता है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर आपको मिलेंगे, जो उन्होंने अपनी रिसर्च के बाद बताया था। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप कर भी लेंगे खुद। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। तो पहले का आंसर हो गया एटम्स। एटम्स आर बेसिक यूनिट ऑफ मैटर दैट पार्टिसिपेट इन, दे पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। तो ये आपका आंसर हो गया केमिकल रिएक्शन, सेकंड का। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ, सो ये जो बेसिस था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। फोर्थ क्वेश्चन, इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये आपका आंसर हो गया, नीदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आंसर नंबर टू, एक्सप्लेन एनी थ्री पोस्टुलेट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी विद एग्जांपल्स।
हमने सिक्स यहाँ पर देख लिए हैं, ये सिक्स एटॉमिक थ्योरी के, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं। इसमें से कोई भी तीन आपको उठाने हैं और उसको एक्सप्लेन करना है। आइए चलते हैं, उसको देख लेते हैं। तो आंसर नंबर टू में मैंने ये तीन पोस्टुलेट लिए हैं, आप दूसरे बाकी तीन भी ले सकते थे। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, सो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास हो गया वो 16, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास हो गया वो 1। तो ये एग्जांपल मैंने दे दिया। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन एटम, सो वाटर कंपाउंड हैज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एज एटम्स। सो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि कोई भी आप कंपाउंड लें उसका जो कंपोजिशन रहता है वो सेम रहता है। तो वाटर, आप वाटर का आप कहीं से भी उठा लें तो उसका जो कंपोजिशन है वो हाइड्रोजन और एटम का ही रहता है। सेम चीज उन्होंने बोली है, उसका जो फिक्स रेशियो रहता है कंपाउंड का, यस वाटर का जो कंपोजिशन रहता है वो 1:8 का रहता है। तो मैंने वही एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अभी चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी वर्कशीट है हिंदी की वर्कशीट लहासा की ओर, कार्यपत्रक नंबर 13। तो ये जो आपकी वर्कशीट है, ये आपका पार्ट है लहासा की ओर, उस पर बेस्ड वर्कशीट है। ये जो पार्ट है वो राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित एक यात्रा वृतांत है। अब यात्रा वृतांत क्या होता है, वो है गद्य साहित्य की एक विधा है, तो एक प्रकार है, एक लिखने की एक एक टाइप है यात्रा वृतांत, ट्रैवलॉग बोलते हैं इसे इंग्लिश में, जिसमें किसी स्थान की यात्रा करने पर वहां की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक आदि विशेषताओं का सजीव वर्णन किया जाता है। तो जो ट्रैवलर होता है वो एक लाइव डिस्क्रिप्शन करता है वहां की जो भी सिचुएशन है, वहां की क्या सोशल सिचुएशन है, वहां पे लोगों की क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो कितना कमाते हैं, वहां पे सोसाइटी में क्या रिचुअल्स है, क्या वैल्यूज है, ज्योग्राफिकली वो जगह कैसी है कि वहां पर पहाड़ है या नदियां हैं या तालाब है या सी है वहां पर। तो ये सारी जो भौगोलिक, जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है वो भी बताते हैं, और कल्चरली सांस्कृतिक वहां पर क्या सिचुएशन है उसका भी इसमें डिस्क्रिप्शन होता है। तो इस पार्ट में लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, तो आपको यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है उसी पार्ट में से, आपको वो ध्यान से पढ़ना है और उसके बेसिस पर ही आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ध्यान से ये सुनिएगा क्योंकि आंसर्स काफी डायरेक्ट हैं, तो आप इजीली इनके आंसर्स लिख सकते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं है। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। तो ये बहुत डिस्क्रिप्शन, बहुत ही भरी जगह, बहुत ही कठिन जगह थी डांडा थोडला, उसे पार करना था। और वो इसलिए खतरे की जगह थी क्योंकि एक तो बहुत ही ऊंचाई पर थी, और इसलिए इतनी ऊंचाई पर होने के कारण वहां पर आसपास दूर दूर तक गांव नहीं दिखते थे, और साथ ही साथ वहां पे जो नदियों के मोड़ और पहाड़ों के जो कोने थे तो वो भी बहुत ही खतरों से भरे थे, इसलिए वहां पर दूर दूर तक आपको कोई इंसान भी नहीं नजर आता था क्योंकि बहुत ही डेंजरस एरिया था। और क्योंकि दूर दूर तक वहां कोई इंसान नहीं नजर आता था तो इसलिए वो डाकुओं के रहने के लिए बहुत अच्छी जगह थी।
तो अब वहां पर सिचुएशन ये भी थी कि क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं है, बहुत ही डेंजरस एरिया है, तो इसलिए वहां पर खुफिया या पुलिस भी वहां पर नहीं आती थी, और क्योंकि कोई वहां पर हथियार कानून भी नहीं था, तो लोग जो पिस्तौल बंदूकें हैं वो बहुत ही कैजुअली, बहुत ही आराम से लेकर घूमते थे, जैसे कि लाठी लेकर घूम रहे हो। तो इससे वहां पर डकैती के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे, क्योंकि कोई गवाह नहीं है वहां पर, कोई रहने वाला नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कुछ भी कानून नहीं, तो इसलिए वहां पर डकैती के भी बहुत चांसेस थे। और ऐसा नहीं था कि पहले वो आपको लूटेंगे और आपकी जान बख्श देंगे, ऐसा नहीं था। पहले वो आदमी को मार डालते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो आदमी नहीं मरा है तो वो आदमी उन्हें मार देगा, क्योंकि इतना डेंजरस एरिया है वहां पर, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले वो आदमी को मार देते थे डाकू, और फिर उनके पैसे चुरा लेते थे। तो बहुत ही खतरों से भरी जगह थी वो, तो इसलिए जो राइटर है यहाँ पर, तो वो बहुत ही घबराए हुए थे और उन्हें वो यही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कितने खतरों से भरी ये जगह थी। तो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, लेखक को कौन सा डांडा पार करना था? तो ये पहले ही लाइन में इसका आंसर है। अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था, तो ग थोड़ला ये सही ऑप्शन है आपका। फिर यहां पर आ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, तिब्बत के ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर आदमी को दूर तक क्यों नहीं देखा जा सकता था? तो ये भी बहुत ही डायरेक्ट आंसर यहाँ पर है, नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। तो ऑप्शन ख जो है यहाँ पर, नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण, ये सही आंसर है। फिर क्वेश्चन थ्री है, किस कारण वहां लोग लाठी की तरह बंदूक पिस्तौल लिए फिरते थे? तो कैसे लोग किस कारण वहां पर लोग लाठी की तरह बंदूक पिस्तौल लेकर फिरते थे, ये भी यहाँ पर क्लियर लाइन है, लास्ट में एंड में है ये लाइन, हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। तो ऑप्शन ख, हथियार कानून ना होने के कारण। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन फोर आ जाता है आपका, तिब्बत के पहाड़ों में डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन से थे? यहाँ पर अगर आप सभी ऑप्शंस पढ़ें तो ऑप्शन क है घने जंगल, ख है गांव के अंदर, फिर ग है चीनी किले के समीप, और घ नदियों और पहाड़ों के मोड़। तो अगेन आपने अगर ध्यान से गद्यांश पढ़ा हो और ये वीडियो अच्छे से सुनी हो तो आप इजीली इसका भी आंसर कर सकते हैं। तो तिब्बत के पहाड़ों में डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान थे नदियों और पहाड़ों के मोड़, क्योंकि वहां लोग आते ही नहीं थे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द उपर्युक्त गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। तो आपको गद्यांश में से ही देखकर इन शब्दों के विपरीतार्थक, इनके ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। तो सरल, सरल मतलब इजी, ठीक है, तो आपको सरल का ऑपोजिट मतलब डिफिकल्ट आपको ढूंढना है कि कौन से शब्द का मतलब डिफिकल्ट है, कौन से शब्द का मतलब कठिन है। और चलिए फिर हम पहले ऊपर देख लेते हैं कि कौन सा शब्द है। तो अगर सबसे पहला सेंटेंस पढ़े हम, यहीं पे हमें इसका आंसर मिल जाता है। तो अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था, तो विकट का मतलब होता है डिफिकल्ट, कठिन, तो यही आपका सरल का विपरीतार्थक शब्द है। अब आगे चलते हैं, दूसरा वर्ड कौन सा है आपका? दूसरा वर्ड है सघन। सघन मतलब बहुत ही पॉपुलेशन वाला एरिया, ओवर पॉपुलेटेड एरिया, बहुत ही सारे लोग जहां रहते हो, तो उस एरिया को सघन एरिया बोलते हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो निर्जन ये शब्द जो है ये सघन का ऑपोजिट है, इन निर्जन स्थानों में, तो यहां पर कोई भी नहीं रहता था तो इसलिए निर्जन, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्रिएटिव क्वेश्चन है, तो थोड़ा आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन ये एक एक्टिविटी है कि अपने किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो अगर आप कहीं पे भी गए हो, कहीं घूमने गए हो,
तो आपको उस यात्रा का वर्णन करना है। तो हम यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे इसका आंसर, क्योंकि आपने यात्रा की है, आपको पता होगा कि आप कहाँ घूमने गए हैं, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप घबराइए नहीं, आप सिंपल लैंग्वेज में भी हिंदी में लिख सकते हैं इसमें, और अपने शब्दों में लिखिए इसे, जहां पर भी आप घूमने गए हों उस यात्रा का वर्णन करते हुए। अगर आपको इस वर्कशीट के किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।